मजा आया, मुझे और डांस करना था, डांस थोड़ा कम था। हाँ एक्चुअली हम दोनों के सिचुएशंस थोड़े ऐसे हैं कि हम ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाए, बट जब वो ढोल बज रहे थे कर पाए, वैसे तो उन्होंने बहुत एंजॉय किया। हाँ, वैसे तो एंजॉय दूसरों को पानी में ढकेल कर। तो जैसे कट हो रहा था हम अपने नॉर्मल मूड में थे और जैसे एक्शन हो रहा था ऑफ स्क्रीन फुल मस्ती कर ली। हाँ ऑफ कोर्स, हल्दी में होली का मजा, हल्दी में होली का मजा ले लिया, अब होली में हल्दी का मजा। होली चली गई है, होली चली गई, लेकिन फिर भी हम मौके नहीं ढूंढते, मतलब जब हम हमारा जब मन करता है हम तब में फिर सब कुछ नजर आते, पर शिव कहीं ना कहीं दुखी या उनके मन में कुछ हलचल या कुछ चल रहा था। हाँ पूछिए क्यों। हाँ बिकॉज शिव यहाँ जब फैमिली सेलिब्रेट कर रही होती है तो आना नहीं चाहता, उसे बलवान जबरदस्ती लेके आता है कि यू नो आपकी हल्दी की सेलिब्रेशन आप क्यों नहीं आ रहे। तो वो उनको बता नहीं सकता कि वो क्यों नहीं आना चाहता, उसका मन क्यों नहीं है, तो जिस परिवार को खुश करने के लिए वो आ जाता है। तो इसलिए आपने जो देखा कि ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर रहा था वगैरह वगैरह, क्योंकि उसका स्टेट ऑफ माइंड कहीं और है, शायद वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो वो दिल से नहीं करना चाहता, परिवार वालों के दबाव पे आके कर रहा है, तो ये सिचुएशन थी। शिव के मन में क्या चल रहा है वो अब आपको टेलीकास्ट देखना पड़ेगा जब आएगा, बिकॉज दैट इज द फन ऑफ दिस होल ड्रामा। इसे तो बेचारी को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है एक्चुअली, बिकॉज आस्था बहुत इनोसेंट है एंड बहुत सिंपल है, वो इतना ज़्यादा ऐसे कभी सोच नहीं सकती शिव के बारे में नहीं, और इनफैक्ट काफ़ी चीज़ें शिव को तक नहीं पता है जो राधिका के साथ हो रही हैं किसी और की तरफ से, बट वो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि राधिका शिव को अब तक बता नहीं पाई और शिव को कुछ पता चल भी नहीं पाया, बेसिकली बहुत कंफ्यूजन है। तो आपको देखना पड़ेगा आगे एपिसोड। ये जो हल्दी कर रहे हैं कहीं ना कहीं फीका नजर आया लास्ट में, मतलब खत्म होते होते इन्होंने जो बात थी दिल की वो बोली दी थी, सुना हमने। हाँ नहीं, लेकिन मैंने भी अपनी दिल की बात बोल दी, तो मेरे लिए मेरे मन में तो कुछ फीका नहीं है, बाकी इनके मन में तो फिर अलग बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।